এক্সিট পোলের সমীক্ষার পরে মধ্যপ্রদেশে সক্রিয় বিজেপি, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করুক কংগ্রেস, 23 মে পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবেন কমলনাথ, বক্তব্য বিজেপির। এই নিয়ে কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি ব্রজেশ রাজপুতের সঙ্গে। ব্রজেশ, মধ্যপ্রদেশ বিজেপি কা ডিমান্ড ক্যা হ্যায় ইস বারে মে? देखिए मध्य जैसे ही रिजल्ट आए हैं एग्जिट पोल के और इनको लगा है कि बहुत ज्यादा हमको सीट्स मिलने वाली हैं, तो मध्य प्रदेश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिख के मांग की है कि जल्दी जल्दी हाउस बुलाया जाए और उसमें हम चर्चा तो करेंगे जनता की, मगर उनका ये कहना भी कि हम इस हाउस के दौरान इस सरकार का बहुमत परीक्षण भी करेंगे। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार अपना बहुमत लूज कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से जनता लोकसभा चुनाव में वोट कर रही है ऐसे विधानसभा चुनाव में जो वोट भले ही की हो मगर सरकार का, इस जनता का इस सरकार से भरोसा उठ गया है। हालांकि वो ये जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ये सब जो और MLAs आपके पास आएंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको जो आएंगे उनका स्वागत है मगर अभी हम सीधी खरीद फरोख्त की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हमको लग रहा है कि वहां से बहुत सारे विधायक इसका पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि सरकार विश्वास का मत खो चुकी है, इसलिए हाउस बुला के हाउस पे फ्लोर टेस्टिंग की जाए और ये सरकार को कहा जाए कि अपना बहुमत साबित करे। तो फिलहाल तो एक चिट्ठी लिख दी गई है गवर्नर को, मगर हमको जो मालूम है वो सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये अब जो हाउस बुलाया जाएगा वो जुलाई में बुलाया जाएगा, मगर बीजेपी का मानना है कि हाउस जल्दी जल्दी बुलाया जाए। कुल मिला के एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद ये सब डेवलपमेंट हो रहा है।